नहीं तो आपको नहीं दिखा, नहीं आप खाइए उसको, खाइए आप यहीं पर रहते हो ना, बहुत डेली आपको चखना है। यूपी के देवरिया के किसी स्कूल में सोमवार को बासी छोला खाने से करीब 80 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। उल्टी, दस्त और पेट में दर्द, बुखार होने से 8 बच्चों की हालत गंभीर हो गई, जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बच्चों की हालत देखकर विद्यालय प्रबंधन में खलबली मच गई। फिलहाल बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और जिन बच्चों की हालत नाजुक थी उन्हें मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। इस बीच देवरिया की डीएम दिव्या मित्तल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो विद्यालय के जिम्मेदार लोगों को बच्चों का खाना खुद चखने की हिदायत देती नजर आ रही है, साथ ही वो बच्चों को सांत्वना भी दे रही है। नहीं तो आपको अभी खाने वाने की हम जांच भी करा रहे हैं, लेकिन खाने में और आप स्वयं भी खाएंगे खाना टेस्ट नहीं आप खाइए उसको, खाइए आप यहीं पर रहते हो ना, कम से कम बहुत डेली आपको चखना है, ठीक है। हमारे बच्चे इतने सारे बच्चे हैं, इतनी बड़ा विद्यालय है, ये घटना रामपुर कारखाना क्षेत्र के महरोना गांव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज की है। बच्चों की बीमार होने की खबर मिलते ही डीएम दिव्या मित्तल कॉलेज पहुंची। उन्होंने भोजन व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों से बासी छोले को लेकर सवाल पूछे। इस पर कर्मचारी ने कहा कि वो हर दिन खाने की टेस्टिंग करते हैं। इस पर दिव्या मित्तल गुस्सा गई और उन्होंने कहा कि टेस्ट नहीं, आप उस खाने को खाइए, रोज डेली आपको चखना है, अपनी व्यवस्था सुधार लें, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। कल जो हमारे आश्रम पद्धति में बच्चों की तबीयत खराब हुई, उसी के क्रम में आज अभी 59 बच्चे हमारे यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं और मेरे द्वारा अभी यहाँ निरीक्षण किया गया, तो सबकी स्थिति सामान्य है। पेट में कुछ गड़बड़ और कुछ अलग सिम्टम्स यहाँ आ रहे हैं, परंतु हमारी पूरी डॉक्टरों की टीम यहाँ पे लगातार बनी हुई है। सभी बच्चों का ब्लड टेस्ट भी कराया गया है और जो भी उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी है वो की जा रही है। साफ सफाई भी यहाँ ठीक है। मैं डॉक्टरों को कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा उन्होंने अभी तक काम किया है, परंतु जब तक हमारे सारे बच्चे ठीक होकर घर नहीं चले जाते, स्कूल नहीं चले जाते, तब तक इसी प्रकार मुस्तैदी से काम करते रहे और हमारे बच्चों का ध्यान। गौरतलब है कि इस कॉलेज में 326 बच्चे पढ़ते हैं, सभी को आवासीय सुविधा दी गई है। बासी छोला खाने से बच्चे बीमार हो गए थे, मौके पर पहुंची डॉक्टरों की टीम ने उनका उपचार किया। वहीं छात्रों ने अपनी हालत के बारे में भी जानकारी दी। संडे को दोपहर में बना था और संडे को रात में हम लोग खाए, कल ही क्या खाए थे, छोला बना था शाम को, मतलब सुबह बना था, हम लोग शाम को उसी को खाए, चावल दाल कल था तो उसी को, ऐसे जितने बच्चे खाए थे सारे बीमार हो गए। कितने बच्चे बीमार है? लगभग 100 से प्लस। क्या दिक्कत क्या हो रही है? वही पेट दर्द और सर दर्द। जानकारी के मुताबिक इस स्कूल के मेस में रविवार की दोपहर सभी बच्चों को छोला पूड़ी और चावल परोसा गया था। दोपहर में बना छोला सभी छात्रों के खाने के बाद भी बच गया। ऐसे में स्कूल प्रबंधन ने इसे रात में भी चावल दाल के साथ बच्चों को परोस दिया। इस बासी छोले को खाने में थोड़ी ही देर बाद एक एक कर छात्रों की तबीयत खराब होने लगी। ये सभी छात्र पहले पेट दर्द की शिकायत करने लगे और देखते ही देखते सभी उल्टी भी करने लगे। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को अपने स्तर पर कुछ दवाइयां भी दी, लेकिन सोमवार की सुबह तक सभी बच्चों को तेज बुखार चढ़ गया। इसके बाद सभी को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया।